या हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम अदरकनी फी सबीलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या काशिफल कर्ब अनवजहिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इक्शिफ कर्बी व कर्बल मुमिनीन बेहक्के अकीकल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। या फातिमतो सलामुल्लाहि अलैहा व या मौलाती अगीसीनी 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 बेहक्के दम्मिल मज़लूम बेरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सलवात बुलंद आवाज करीम अल्लाह अशरा मुहर्रम हराम देवानियान मुआमिनीन और तमाम हाजरीन की तौफीकात दे खैर इजाफा फरमा। मेरा मालिक मकरूह ना दिकर से अदा फरमा, परेशान हाल दियाँ परेशानियाँ दूर फरमा। मेरा मालिक ये हाथ तेरे बारगाह उठे, मेरा मालिक ये हाथ कयामत तक किसी कमी ने दे मोहताज न हो मैं, आमीन सारे अक्सो। मेरा मालिक ये हाथ इमाम रजा अलैहिस्सलाम दी जरी ते मस हो मैं, मेरा मालिक इस बस्ती नगरी आबादी रुका के आमे कयामत शादो आबाद रख। करीम अल्लाह तुर आया दे दिल नेक मकासद पूरे फरमा, देर सारे लोग मेरे जमीन दुआ मनाइया सब की दुआ मन मुस्तजाब फरमा। दुआ की कबूलियत की खातिर सलवात बुलंद आवाज करीब हो जाओ मेहरबानी। सलवात पढ़ना सवाब ही बुलंद आवाज नाल सलवात। यकीनन घराना लेके सलवात है सारे शामिल हो वो सलवात बुलंद आवाज ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वला बैत मौज़िया लिन्नास सलवात बुलंद आवाज ना। नहायत ही काबिल कदर मेरे शेख ने भाइयों, मेरे ज़ीबकार दोस्तों, उस करीम अल्लाह ने इस जमीन का आगाज किया जिन हस्तियों के नाल सदके अल्लाह कायनात बनाई, वो अर्शी हस्तियां, वो अर्शी बेड़ा है, वो अर्शी खानदान है। जमीन का आगाज कदों होया, हर पास पानी हई और कुरान की आयत अनज़लना मिनस समाए मान तहूरा, हमने आसमान से पाक पानी नाजर किया। इसका मतलब पानी का मरकज भी आसमान है। ये जमीन पे यानी इस खित्ते ते जो पानी आ गया, हर पासे पानी है, जमीन का वजूद कोई नहीं। पुराने पाक की आयत मौजूद है कि रहमान कहते हैं हमने जमीन को पानी पे कायम रखा। इसका मतलब तले पानी है, उत्ते जमीन का आगाज होया। नहर हो चंगी खुली, उसके बीच पुल बननी हो, नहर भी चलती हो भी चंगी भली डूगी, पुल उत्ते बननी, मगर उस पोल के थले जेड़े वो पिलर बने, वो बड़ी हिम्मत की गल है, बड़ी मेहनत की गल है। जेड़ा पोल नहर ते बनावे ते थले पिलर बनावे, मशीन खड़ियां करके किसी तरीके ना पानी भी मुसलसल चल रहा है, वो हर बंदा दे इहदी क्या बात है। ते जिस खालक पूरी कायनात ते पानी होवे, ते पानी उत्ते जदों अल्लाह जमीन दा आगाज कीता, एक लफ्ज़ ते बंदे दा भी हक बनदा है, अल्लाह तेरी क्या बात है। अल्लाह दा शाद रहो जी, बहुत शुक्रिया भाई। मैं
बहुत मेहरबानी गल मैं औखी शुरू कर ली लेकिन औखी बात मैं तारीख च पढ़ भी लवा उसनु सौख्या बना के पेश कर लेना ये मालिका मैं बता दी गल मैं मेरे मुर्शिद भाई फिदा हुसैन मुकम्मल कुरान हो सी पैगंबर का फरमान भी हो सी और निजाम बड़ा कमाल है ए मौजू पसंद आ रहे मेरे बात बहुत शुक्रिया जी हर पासे पानी आई जमीन का आगाज होया पानी की तह ते बेटे बह जाओ कि जल्दी सलवार बुलंद आवाज कितने चले हो हाला हाला हो मोटा बंदा इतनी देर बह भी नहीं सकता निजाम चलो कोई नहीं सलवार बुलंद अच्छा हर पास पानी है पानी के तहते जमीन का आगाज होया आज मैं इतने प्यारे सामीन के सामने मैं उस जमीन का आगाज दसन लगा उस करीम ने जमीन की इब्तदा किमें की थी जमीन का आगाज किमें की था क्योंकि मिंबर का एक तबस्सुरी है जिथे पैगाम पहुंचाने हर पास पानी है रहमान करीम अल्लाह ने हवा को हुक्म दिता हवा मैं खालिक हूं तू मखलूक है जल्दी आ पानी की तह ते तेज रफ्तार ना चल हवा इतनी तेज रफ्तार ना पानी की तह ते चली उस पानी ते जाग दी शक्ल बन गई आवाज़ इशारा बहुत मेहरबानी जी इंशाल्लाह आए दो त्रै मिनट बाद चल मारे वो जाग दी शक्ल बन गई पानी दी तह ते रहमान आ क्या हवा तू पीछे हट जिब्राइल तू अगे आ जिब्रील आ जी रबे जलील रहमान आ क्या तू मखलूक है मैं तेरा खालिक हूं हवा मखलूक हरी मैं हवा दा खालिक आई हवा नु हुक्म दिते उस मेरे हुक्म दी तामील करदे होया तेज रफ्तार नाल पानी दी तह ते चली वो पानी दी तह ते जग दी शक्ल बन गई लिहाजा जबरी जल्दी कर तू नूरानी ते रूहानी पर मार के जग बराबर कर ताकि जमीन का आगाज हो जाए आवाज शादरा बहुत मेहरबानी जी इन हाथों मौला सलामत रखे जिंदगी दराज हो आखिरी कदे तक थोड़ी ताइन कर सो ताकि मैं पैगाम पहुंचाने थोड़ी आसानी हो जाए पर मार के जग बराबर कर जग बराबर की थी जमीन का टुकड़ा बन गया मैं मुर्शिद थोड़ी दुआ दे सदके इतने बड़े जो सामीन बैठे मातमे का दार बैठे मातमे का नौकर मैं थोड़ी मुहब्बत नाल लेके एक गुजारिश करना चाहना और मैं शहजादी दुनिया जिस तो अदब वाली सरकार इस मौजू में मेरे जाति च ना हो गए हूँ छोटा जि जरा जमीन का टुकड़ा है वो पानी की तह से हरकत करे जिमें गुलाब का फुल तो चलती नहर में रखो पानी की कसरत की वजह तो वो हरकत करता है रहमान आख्या छोटा जहा टुकड़ा जमीन का ते पानी की कसरत पानी की तह से छोटा जहा टुकड़ा अगर इंजे हरकत करता रहे ना उत्ते बिल्डिंग बन सकती ना उत्ते रहायश बन सकती आखिरी बंदे तक कसम कुरान दी हो ही नहीं सकता चिड़छिड़ा सादा की जाकरी करे ते हर बंदे तो जबान च मेरे बाद समालकां दी फजीलत दी दात ना आवे रहमान के तो वेखे पानी की तह से छोटा जहा जमीन का टुकड़ा भाई जहूर हरकत करें दे रहमान फिर जबरील ने बोला जबरील जल्दी आओ अपने रूहानी ते नूरानी पर नाल इस जमीन छोटे जे टुकड़े दे सेंटर च लिख या अली आया सदके भाई अबाद शाहरा भाई इन हाथों वाला सलामत रखे लख दे या अली लिखिया जमीन सकून पैदा हो गया वो टुकड़ा जमीन का बिल्कुल मुतमिन हो गया जमीन के टुकड़े इस्तकलाल आ गया
बिल्कुल मुतमिन हो गया। मैं समझा रहे हैं, शायद समझ आ रही है ना जी। जमीन का टुकड़ा मेरे बाद चा मुतमिन हो गया। मैं जो तारीख पढ़ी भाई फिदा हुसैन, इतना मैं मुड़ सकता शुक्र किया उस करीम अल्लाह का कि मैं पक हो गया जिदे बेच अली होते सुकून होता है। सदगे भाई इन्हें हाथों को सलामत रखे। सलवात बुलंद आवाज बदर राज चंगी भली सलवात पढ़ते ऐसे की हो गया सारे बिल जिसके सेंटर चली हो गए सकून है। लो भाई बात बड़ी कमाल बची जिसके सेंटर में चली हो सकून है। तुसी 73 फिरके तो उलमा तो पूछो शिया के नाते वो आखन जिसे दिल में चली हो पिछे रह गए हो जिसे दिल में चली हो शिया है। ये मतलब जिदे बिच अली हो अली की वजह तो वो ही है ना जिदे बिच अली हो सारे ताइफ ने की जिदे बिच अली हो फिर वो अली दे वजूद की वजह तो बंदा शिया है ना। इंजे गल मुकदे इतने जिदे बिच अली हो अली दे वजूद की वजह तो वो शिया है। चल मुख कुरान ते हाथ रखने छठ झगड़े छोड़ ये सादा काम नो असे मुख्तलिफ राह ते ना भेजिए मोहब्बत का पैगाम दे दिए जिदे विच अली होवे ओ शिया। फिर मुख जे कुरान विच अली है कुरान भी शिया जे काबे विच अली है काबा भी शिया है। मतलब जे शिया नाल ताल्लुक रखन नाल निकाह टुटदे ने ना फिर काबे मुंह करके नमाज ना पढ़ काबा भी अली का शिया ही। आबाद रहो भाई बहुत शुक्रिया जी इन्हें हाथों मौला सलामत रखे जिंदगी दराज हो। फिर काबे के पास मुंह करके नमाज ना पढ़ काबे बिच भी अली है और कसम कुरान दी काबे बिच तेरा रजम अली आया है। अली मक्के की किसी और सरजमीन ते नहीं आया अली काबे बिच आया है। एक टुकड़ा बन गया टुकड़े बेचिया अली लिखिया। मैं कल भी घर पर इस मकाम पे गल की थी अली बगैर किसी का भी गुजारा नहीं ना शिया का भी बगैर गुजारा जे ना सुनिया का भी बगैर गुजारा जे। तो सारे ताइद करनी मेरे सामने शिया भी बैठे ने तो सुन्नी भी बैठे ने। शिया पहला इमाम न मनन ते शिया दे 12 पूरे नहीं होंदे सुन्नी चौथा खलीफा न मनन ते 4 पूरे नहीं होंदे। तवज्जो है भाई ताइद करो इहदा मतलब है दुआ बिरामा दा है अली दुआ बिरामा दा अली तो बगैर गुजारा नहीं। मैं बदर दी धरती ते इनार पे करदा जदों भी मैं अली दी फजीलत बना शिया दा ते व्या करो पहला इमाम समझ के सुन्नी दा ते व्या करो चौथा खलीफा समझ के ताके पता चल जाए जिदी कायनात मुताज है उसे अली कहा जाता है। मैं जो नामी अली रवैत पढ़िया मैं क्या हूं परेशानी बन गई तामीर हो सी बिल्डिंग बन सी बंदे गुजर सन अल्ले नामी अली वत बेदबी हो सी आउथो करीम दी आवाज आई
ये जमीन का आगाज करके मैं या अली लिखवा सकना ते अली दे नाम दा एहतराम भी मैं जानदा आबादर शाद रहो मैं जिंदगी दराज होवे लो भाई हुण थोड़े जे दिन मेरे नाल मिलावण च बिस्मिल्लाह अरश अरश सब तो पहले मखलूक अरश अरश के सेंटर विच काबा है जिसनु बैते मामूर आदे जिवें अरश दे सेंटर च बैते मामूर है ना अरशी काबा नामे अली जेड़ा जमीन के टुकड़े ते लिखे आई उस करीम ने अर्शी काबा दी शबी नामे अली ते नाजल करके कुरान पाक दी आयत नाजल की थी अल्लाह ने कायनात का पहला घर जो बनाया वो मक्का है ताई करो आबाद शादर ताई हो जाए मक्का सब तो जमीन कायनात के अंदर सब तो पहला घर जेड़ा है वो मक्का है मक्का जमीन का सेंटर है तो मक्के दे सेंटर च काबा है काबे दे सेंटर चलिए इहदा मतलब है जिहड़े मैथ पढ़ते हो मैथ जिहड़े रियाजी पढ़ते हो बच्चे स्टूडेंट जिहड़े बैठे हो पुरकार होवे ना पुरकार वो रखी जाती है रख के ते घुमाई जाती गोल दायरा बन जाता है दरमियान एक नुक्ता बन जाता है उस नुक्ते की वजह तो दायरे विच लकीर डिंगी नहीं हुई कसम कुरान दी ये जमीन बाकी या अली दे वजूद की वजह तो है सदके जमीन बाकी बहुत शुक्रिया जी जमीन बाकी है वजूद अली जिबले अबी तालिब की वजह तो ये मतलब है दरमियान नामे अली अल्लाह बैत मामूर की शबी काबा इस नामे अली ते नाजल की जिथे नामे अली ते काबा आया है तेरा रजब उस नामे अली ते काबे दे सेंटर विच मौला अली दी आमद हुई है सदके भाई बहुत शुक्रिया मौला अली दी आमद हुई ये तो मतलब पूरी कायनात का सेंटर है मक्का मक्के का सेंटर है काबा काबे दा सेंटर है वजूद अली और फिर हद मुक गई कायनात नबी की या अली अंता अल्लाह करे मेरा पैगाम पहुंच जाए या अली अंता अब आप थोड़ी देर खींचने थोड़ी देर बातें सुन लीजिए या अली अंता मसल काबा ए अली तो मसले काबा है ठीक है तू मसले काबा है यानी अली आया संतरे काबा विच और कायनात नबी अली दी मिसाल काबे न दी केड़ा बंदा है जेड़ा जुमला सुने ते फिर दाद न दे जदों मदीने विच मुस्तफा ने अली दी निस्बत काबे न दी लोग आके या रसूल अल्लाह अली इंसान काबा कोठा है अली इंसान काबा कोठा है अली दी निस्बत सा काबे न दे दी कायनात नबिया के पहले ते ऐथे मुको मैं जो बोलता आप बोलता या वो आद है अब आदो शाद हो मैं हम लोग जिंदगी दिला दो मैं अगर जी तुझे आप नहीं बोलते जो वो आद थे तुझे बोल दी हो अगर भी पांच सात बंदे नहीं बोले वो से कायनात नबिया क्या अल्लाह दो हुक्म मुताबे के लान कर रहा आदि तीन ने सबत काबे नार यानी के मकसद बाबा पाक खड़ो के दाते जठे जुमला बस नहीं है कायनात नबिया क्या माशाल्लाह सारे पढ़ते हो ये तो दस सीटर लांदे मो करी दी लांदा इते आई दा आई नो आई दा बिठा के से आई ते आते के आते ते और के जी में भी चढ़ते तो नहीं था लांदे कर ले कसम कुरान की उतनी देर तक लंदे मुंह करने का अल्लाह मुहम्मद भी हुक्म नहीं दिता जब तक काबे विच अली दा नज़ूल नहीं होया
बादशाह रहो जब तक हैदर करार का नजूर नहीं हो जाता। पहले बैतुल मुकद्दस बस मु कर दे, काबे का वजूद हो गया, उत्तो जमीन का आगाज। पहला घर मक्का, मक्के में सेंटर स्टॉप, और फिर बाकी कायनात का भी वजूद बढ़ गया। और कोई शहर ऐसे कमाल नहीं जिस शहर की अल्लाह कसम चली है बच्चा बह जाके माचो लड़ गई। मदीना और मक्का, मक्के की अल्लाह कसम खाती, मदीने की गली की अल्लाह कसम खाती। इहदा मतलब दो शहर इतने अजीम ने, मक्का और मदीना। मक्का खुदा के घर की वजह तो, मदीना मस्जिद नबवी की वजह से। इहदा मतलब ये दो हरमैन ऐसे, मक्का खुदा का घर, मदीना मोहम्मद मुस्तफा यानी मस्जिद नबवी। ये दो शहर इतने अजीम ने जिन्हें शहर की अल्लाह कसम खाती। खुदा की कसम चा के इमाम हुसैन जो मदीने टुर पाया है ना, फकत लोगों ने यो आखे कि मैं मदीने विचरवा, जंग शुरू होसी। इन्हें कमीनियन की पता जो मदीने की अजमत क्या है, इन्हें क्या पता मदीने की शान क्या है, इन्हें के पता मदीने की हुरमत क्या है। मदीने की अजमत बहार रखने वास्ते इमाम हुसैन जैसा मदीने टुर पे, इमाम मक्के पहुंचे। मक्के फिर अठ से हज में इमाम ने हज में उम्रे में तब्दील किया। इराक तोड़ छोड़े, चलो बात सामने आ गई, मैं सिंह करा हाज कुछ पढ़ते हैं मेरे पुछे। इमाम इराम तोड़ छोड़े, तोड़न का मकसद की, इराम तोड़न का मकसद की, कई शायद थोड़ी जाती गेंद बांध छोड़ो, लकीर दो हिस्से कर छोड़ो, त्रोड़ने का मकसद। सारा जहान जो सारी जिंदगी दे हो गए सुनते हो पाए भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इराम त्रोड़े, कर किसी पूछा कि त्रोड़न का मकसद की। और बैठ बैठ के मेरा चेहरा पे वेखते हो, कदे तो ऐसे हकैक की जिंदगी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, कदे तो हकीकत के करीब आना चाहिए ना। यह जो इराम त्रुटन का मकसद, इराम तोड़िया कि तोड़न का मकसद मैं धरती से दसन लगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इराम किवें तोड़े। नीयत कर ली गई कि मैं तवाफ काबा करना, नीयत हो गई है वाजिब कि मैं तवाफ काबा करना। तवाफ सब करना, एक तवाफ किया, दूजा शुरू है, पांच ने बाकी। अगा की बजाय बंदा कदम पीछा रखे ये इराम टूट गया। नहीं तुड़ गया, और मैं कोशिश कर रहा हूं अगा कदम उठाइए तो इराम जा रही, ठीक वो तवाफ जा रही, कदम है ऐसे रखे तवाफ हो रहे हैं। अगा की बजाय कदम मैं पीछा रखा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पहला तवाफ जो किया 400 हाजी ईरान में बगल खंजर छुपा के एक दूजे ने इशारा करके पै दें। जो हुसैन हजर इसवत का बोसा लवे ना एदा सर बदन तो जुदा कर दियो, कसम कुरान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उथे ही ईरान त्रोड़ के एक कदम पीछा हटा के आदमी अब्बास चलो मक्का छोड़ो करबला चले। मैं सद के जावा क्या बात है तुम्हारी रूहानियत की, अब्बास मक्का छोड़ो करबला चले। जनाबी अब्बास रमदार कदमा के हाथ रखे मौला जी आ गए सारे हज पे पढ़ते, मौला सा मक्का छोड़ के हज सा नहीं पढ़ना करबला जाने। हो सकता है कोई ऐसा बंदा रह जाए जिसकी हाय बुलंद ना हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर मैं अब्बास हाजियों के लिबास 400 हाजी ऐसे, मैं आज के मौसम के जुमले पढ़ रहा 400 हाजी ऐसे जिन्हें अपने इहराम में खंजर छुपाए हुए एक दूजे ने इशारा करके पै दें। जो हुसैन बोसा लवे हजरे अस्वद का सर पदन तो जुदा करो ताकि रश पतन लगे कातल कौन है। कसम कुरान ओ
सकता है बंदा, मैं पहले भी गुजारिश की थी भी जिसके हाय ना निकले वाइला गल, मैं बड़ी सौखी भाई गुलाम शबीर पेश कर गया जनाबे बाद जो सुने मैं 400 कदम हाथ ला के मौला 400,000 का मैं जिम्मेदार मरहबा मैं सदके भाई मालिक मैं थोड़े मेहनत कबूल करे जिंदगी दराज आवे ई उमर पद हुंदी ऐ रूहानियत हुंदी ऐ कदमां ते हाथ ला के जनाबे अब्बास अगर मौला 400,000 दा मैं जिम्मेदार मौला जी मेरी मौजूदगी विच तुसा मक्का छोड़ना आई ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਸੀਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਬੈਣਾ ਨਸੇ ਬੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮੁਤਮਿਨਾ ਜਿਤਨਾ ਅਸਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸਾਂ ਜੁਮਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕਦਰਦਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੁਮਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਸਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕੰਜੂਸੀ ਨਾ ਕਰਾ ਭਾਈ ਫਿਦਾ ਹੁਸੈਨ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਜੰਨਤ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹਨ ਮਗਰ ਕਸਮ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦੂਲ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਾਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਅਲੀ
چار علی کربلا گئے ہیں، سارا مقصد پورا نہیں. جناب حسین بادشاہ فرمائے واہ شریف قتل حسین ہیں، کوئی شک نہیں چار علی. جناب عالمہ غیر مولما حسین علی جان دی میں بھی ہاں، مگر وقت دا امام ہے میرے ویر، پھر تو تعارف کرا چار علی کیڑے. اس جناب حسین بادشاہ فرمائے کرامہ کرامہ تعارف، جناب زینب عالی تعارف بعد وچ کراؤ، پہلے کی دستور چار علی نال ہوں تے تہاڈا مقصد کیوں مکمل نہیں ہو سکتا. ادن عالمہ غیر مولما میں جنا مدینہ مقصد لے کے ٹریا نا، وہ مقصد ہے اللہ دی وحدانیت، وہ مقصد ہے نبی دی نبوت، وہ مقصد ہے میرے باپ علی دی ولایت، وہ مقصد ہے کائنات دی انسانیت. نہیں بچ سکتا میرا مقصد جب تک اس مقصد تے دو چیزاں نہ لگیں. میں بڑے آرام نال پہ پڑھنا، دو چیزاں نہ لگیں. یہ میں قریب آ کے میرا ویر دستوں سے سیکھے لیا دو چیزاں. اس مولا حسین نے کہا مقصد مکمل ہون دے، میرے سال دی لوڑ ہے تیری چادر دی لوڑ. وین کر دیا، وین کر دیا زندگی دے راز دے مالک تو ہائے قبول کرے. مقصد مکمل کرن دے میرے سال دی لوڑ ہے، بہن تیری چادر دی لوڑ ہے. یہ چار علی ساڈے نال کربلا ٹر گئے، نہ میرا سر جدا ہو سی نہ تیری چادر، میرا مقصد مکمل نہ ہو سی. وہ سے نہ پہ زینب پہ علی آ دے انہاں میں کھڑ ہائے آخا جملہ آئی بھائی. آج ترے چار دن رات آ گئی ہے، چار پانچ دن دا مہمان رہ گئے زہرا دا بچڑا. انہاں دنوں وچ تے ذکر دے فقط اشارے دی لوڑ ہے، ایتھے تے آزادار ماتمی مضموناں دا محتاج ہی نہیں. قسم قرآن دی دو دن دے بعد تیری پانی تے نظر پوے تاں وین کر، مستور دی چادر تے نظر پوے تاں وین کر، تیری چو سالاں دی دھی تے نظر پوے تاں وین کر، تیرا چھ مہینے دی بچے تے دید پوے تاں وین کر. اسے ایک دفعہ کر بلال پاسے مو کر کے آکھیا اپنے پیارے نو کیتے ساڈے بچا گئے نا سب کے بھائی. کائنات دا کوئی غم نہ دیکھو مظلوم کربلا پر میں چار علی، پہلا محمد حنفیہ، دوجا مسلم بن عقیل، تریجا اوہی جی دیا سے تو تسر مدینہ چھوڑے ہیں. اگے امام حسین بادشاہ ایک پر سے روک کر کے اگلے گھاٹ میرا سجاد بھی نہیں. میں سب کے لیاما جناب زینب علی میں بسم اللہ کر رہے پتر کی زندگی ہوئے جناب سجاد میں بھی گھٹ نہیں مکمل علی گئے اس جناب علی آ کے انہیں مکھیڑ ہوئے. محمد حنفیہ جلدی کر رہے، محمد حنفیہ جی جاؤ مدینہ ٹور جاؤ، مدینہ ٹور جناب محمد حنفیہ کے ہاتھ مر لگ اشارہ سمجھنا میرے پاس لے کے ان ہاتھ مار کے مولا اس موقع تے فوج اکٹھی کری دیے. مولا تو سید محمد حنفی ٹر جا ہو سے ماما کے جنگ کرنی ہوے تے بہنا نال نال دے اڑ گیا. محمد حنفی میں جنگ کرن نہیں آیا، میں نانے دی امت دی صلاح کرن آیا. ویکھے میرے پاس سونا ماحول بن گیا، میں بلند ہو گیا جناب محمد حنفی اگر میں ہاں تہاڈی کنیز دا پوتر مولا علی دی نسبت رات میں تہاڈا پھرا ہے. مولا حسین بادشاہ کے محمد حنفی کیوں نہیں؟ اس محمد حنفی دے نے کنیز دا پوترا تہاڈی مندا ٹر جانا، علی دا پوتر ہو کے ایک میری چمنا. امام حسین علیہ السلام فرمائے مسافر ہاں پردیسیاں محمد حنفیہ دس کے بھی منوانا چاہتے ہیں، کم از کم بدر والے تیری چیخ دی آواز ایتھے میں منبر تے سنا. اس سے جناب محمد حنفیہ نے ٹر جانا مدینے، مگر مہربانی کر اپنی بہنا تے مامنا دے مہار مینجا دے. میں مدینے جا کے محمد دی قبر تے جا کے آکا اٹھا سردار اپنی ایمان دا سنبھال لے. مرحبا مرحبا میں صدقے بھائی مالک والے بہن قبول کرے بانیان دے اس وقت کی اضافہ ہوئے. امام حسین لے میں بسم اللہ پھٹی امام حسین علیہ السلام فرمائے محمد حنفی نال نہ جاویں، میرا مقصد مکمل نہیں. میرے دادا استاد علامہ حسین کو جانے گل کر دیا ہے یہ جملے دا سلام. میرے دادا استاد دیو میں صاحب وہ فرمائے دے اندر ایک تے مقصد ہے جو علی نے کھیبر نہیں
دوجہ مولا حسین اس واسطے محمد حنفیہ نو مدینے بھیجے جے پہلی دفعہ بات سنیں تے پہلی دفعہ نہ سمجھیں غربت سمجھ کے بیان کر لویں جناب حسین جناب زینب واقع ہے میری بہن محمد حنفیہ نو مدینے بھیجے اے نامے سی کربلا ہوئی ہے پیچھے ساڈی ماں تے نانے دی قبر تے بیٹھو تے چل جا پیچھے رہ گئے دو علی جناب حسین او سجادی او عباس دو شریکت حسین منزل ساری کمال او نیڑے کربلا پھر شام میں تکوف ہے لے میری بہن دو بہن بیرا او سجاد او عباس سے جملہ آگ چھوڑا جزین تیار ہو گئے میری بہن او سجاد او عباس سے ایک دی زامن تو پہ جا ہون پر سمجھو بھائی پرانے ذاکر کر بیٹھے ہو ایک دا زامن میں پہ جانا او سجنا پہ زینب آدھی جس راہ ہے کربلا او دی زامن میں جناب حسین میں زمانت عباس دی لئی ویکھی میرے پاس پچھا ہٹ کے چبٹ مزدور والے پاس ویکھ گیا ہن پریشان نہ ہو ہن تہاڈی چادر دا ضمانت میں لینی آ ہن تہاڈی چادر دی ضمانت میں لینی آ تے جدو قران دی قسم راضی زین تو لکھا ہی نا اس پہلا بیان جناب زینب کر کے آدی ہن تہاڈی چادر دی ملاور کوئی نہیں پتھر مرے سن میرا پوتر سجاد رات روسی کچھ نہ میں سد کے جاوا بڑے آرام نہ میں جملہ آخیا رات روسی جگر پھٹ کے اکھا دے پاسو آسی آپ سے کچھ نہ کیونکہ سجاد دا زامن میں آ قسم قرآن دی کربلا پہنچ گئے آل نبی میں تفصیل پڑھا ہاتھ ٹائم لگنا ہائی اس طرح مندر روے تو میں بیان شروع کراں جناب حسین بادشاہ کر ہو سکتے دن چاہتے میں کربلا دی خرید و ضرور گزارش کر سا اج اتھے میں کوئن کرا جناب زینب علیہ 10 محرم رات جو دعائی ہے نا بھائی کدا حسین رات امام حسین بادشاہ پر میں اپنی اپنی قربانیاں تیار کروں 10 محرم کا دن آیا میں سارے مسائل چھوڑے میں اس وین دیا ہاں کیونکہ کافی ٹائم ہو گئے تاکہ جلدی پروگرام پر باش ہوئے جی مارداری بھی ہے 70 گربہ داری جناب حسین بادشاہ فرمایا
कल कुर्बानियां मैं पेश करो। सारी रात इस रात का ऐलान भाई रफाकत करते बैठे हैं, इस रात मामा पुत्रां दी कुर्बानियां तैयार करते हैं। हुण समझे भाई, हुण समझे, जिंदगी रात हो गई। एक जुमला मैं थोड़ी मोहब्बत नाल लैके फिर आखण लगा, फिर हो सकता है ज़हन च ना आवे। सैयद होके अपील करता जिहड़ी शामे शबे अशूर आवे ना, वो मेहरबानी करे मामा बहना के भी अपील है, थोड़े के भी इल्तमास है, कसरत नाल इमाम दे घर आवे। सारी रात जगराता कटिया इस रात समय नहीं, क्योंकि ये रात ऐसी है बहन बेरामा दी आखिरी रात है। जनाबे अब्दुल्ला आलिया का हाथ ना पिया, मेरी जोड़ी है जिन आवन मोहम्मद आदिन आलिया में तेरे नामे की शरीयत जानना। मुसीबत आवे सदका देन नाल मुसीबत टल जांदी है, ये मेरे पुत्र समझ के ना ले जा, अपने भरा दा सदका समझ के ले जा, अपने भरा दा सदका लावे। हुण जमीन बन गई है, हुण मैं बैन मुतमिन होके करांगा। ये ज़हन च रखे जनाबे आलिया दी जोड़ी वतन तो हुसैन बादशाह का सदका बन के टुरी है, सदका बन के टुरी है। अब्दुल्ला पुत्र बना के भाई जहूर नाल नहीं भेजिया, वीर हुसैन का जनाबे आलिया नु सदका दे के टुरे है। सारी रात तैयारी होंदी रही, 10 मुहर्रम का दिन चढ़े है, हर माह जनाबे नु खरबा बिस्मिल्लाह सरकार कासिम हाजिर, अब्बास हाजिर, जनाबे लैला अली अकबर हाजिर, जनाबे रबाब अली असगर हाजिर, सब के बाद और थोड़ा तमन असर, सब के बाद जनाबे ज़ैनब आए। इन मेरे मजलूम इमाम बहन वाले पास बैठे, बहन तेरा हक आई, सब तो पहले आ गया, सब के बाद आई आलिया आ गई है, रुकैया आ गई है, उम्मे फरवा आ गई है, तू सब दे बाद आई है। हुण मैं जे इंतजार ने उस जनाबे ज़ैनब आलिया करीम आके, मेरा वीर ये हो सकता है शरीकत उल हुसैन होवां तो मैं देर लावा, मेरी मजबूरी आई जिस वजह तो मैं देर ना आईया। जी आलिया दस तसे मकतल खलो के मजबूरी केड़ी आई, जनाबे ज़ैनब आदिए मेरा वीर मेरी मजबूरी आई, हर माह एक एक पुत्र तैयार करना है। हुण भाई अमीर नहीं बनना, करीब दो त्रै मिनट होगा, मैं सदके जावा बच्चे बहन गल के लोंदे मुझसे मेरे सैन दा जवानियों मजवानियों मानो मादमिया दा नौकर हाजिर बेदार करो सत्तर गुरबा ताली और सियादी माला मेरी मजबूरी सामने खड़ा कीता है। भाई रफाकत मेरी जाति दा बड़ा
ਲੈ ਜਾਏ ਰਾਤੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਮਾਤਾ ਰਾਤੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਚ ਲੈ ਜਾਏ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੈ ਜਾਏ ਅਸਾਂ ਦਾ ਯਤੀਮ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਚ ਲੈ ਜਾਏ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੈ ਜਾਏ ਜਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਭ ਜਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੇ ਸੁੱਠੀ ਕੇ ਮਾਤਮ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹਦੇ ਪਿਆ ਤੇਰੀ ਗੁਰਬਾਤੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਓ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਗੀਰ ਦਾ